हेलो डियर फ्रेंड, मैं अभिषेक आनंद। गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आपको यहाँ बताऊंगा कि कैसे ड्रीम 11 में आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका मैं बता देता हूँ, ध्यान से मेरा ये वीडियो आप देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले जो है ये वेबसाइट जो है ओपन कर लीजिएगा। ये वेबसाइट जो है ड्रीम 11 का मेरा जो है ब्लॉग वेबसाइट है, इसको लीजिएगा। यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं हाउ टू ज्वाइन लिखा हुआ है, ठीक है। ये वेबसाइट है, यहाँ पर हाउ टू ज्वाइन लिखा हुआ है। हाउ टू ज्वाइन को क्लिक करना है आपको। यहाँ पर मेरा रेफरल लिंक है, रेफरल कोड है। अगर आप रेफरल लिंक को क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा जो रेफरल कोड है ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। अगर ऑटोमेटिक फिल होकर नहीं आता है तो जहां पर भी आपको रेफरल कोड या स्पॉन्सर कोड मांगेगा, ये जो है ना, आप ये कोड को डाल सकते हो वहां पर। फिलहाल मैं इस लिंक को, जो कि रेफरल लिंक है, इसको क्लिक करता हूं। इससे शायद मेरा रेफरल कोड ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, क्लिक करते हैं इसको। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको मैच सेलेक्ट करना है। देखिए लिखा हुआ सेलेक्ट मैच फ्रॉम दिस टूर, कोई भी मैच सेलेक्ट करते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। मान लीजिए हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आ गया। इसमें से फिर से दोबारा नीचे में सेलेक्ट करना है हमको। मान लीजिए पहला वाला सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को टीम बनाना है। ये देखिए लिखा है क्रिएट अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स हु यू थिंक विल बी टॉप परफॉर्मर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अपने टीम को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर विकेट कीपर है, बैट्समैन है, ऑलराउंडर्स है, बॉलर्स हैं, ऑल है, ठीक है। तो यहाँ पर विकेट कीपर क्या है, ये विकेट कीपर जो है मिनिमम एक ले सकते हो, मैक्सिमम एक ले सकते हो। बैट्समैन जो है मिनिमम तीन ले सकते हो, मैक्सिमम पांच ले सकते हो। ऑलराउंडर मिनिमम एक ले सकते हो, मैक्सिमम तीन ले सकते हो। बॉलर तीन लोगे और मैक्सिमम जो है पांच ले सकते हो। तो यहाँ से देखिए विकेट कीपर है, सबसे पहले विकेट कीपर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ एक है तो एक सिलेक्ट करना है पहले सबसे। तो यहाँ पर जो है ना तीन है, दिख रहा है यहाँ पर, तीन में से एक को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए बीच वाला जो है डी विलास, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको प्लस साइन को क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ क्लिक कर दिए, सिलेक्ट हो गया। तो एक विकेट कीपर ले सकते हो। अगर आप दूसरा लोगे तो आपको यहाँ पर इरर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरा लोगे यहाँ पर आपको इरर मैसेज आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे इरर मैसेज आ गया, हैव यू एवर टू सीन टू कीपर बिहाइंड द स्टंप। तो ये नहीं, एक लेना है, तो एक आप ऑलरेडी ले चुके हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बैटमैन की तरफ। बैटमैन में आप मिनिमम तीन ले सकते हो, मैक्सिमम पांच सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम जो भी है सिलेक्ट करते हैं, जो भी व्यक्ति आपको अच्छा लगे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। जैसे एक दो तीन, ठीक है, मैक्सिमम पांच ले सकते हो। तो दो और ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ये ले लें, ठीक है, और पाँच हो गया। पाँच के बाद अगर आप लोगे तो आपको मैसेज आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो आप मिनिमम तीन ले सकते हो, मैक्सिमम पांच ले सकते हो। अब यहाँ ऑलराउंडर में मिनिमम एक और मैक्सिमम तीन ले सकते हो। तो यहाँ ऑलराउंडर को क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग एक ले सकते हैं, इसको मान लीजिए क्लिक कर दिया, एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये स्क्रीनशॉट जो है, यहाँ पर जैसे जैसे आप प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो वहाँ पर उसका फोटो आते जा रहा है, उसका फोटो आता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद चलते हैं बॉलर्स। बॉलर्स में तीन, तो यहाँ बॉलर्स में आप तीन मैक्सिमम ले सकते, मिनिमम ले सकते हो, पाँच ले सकते हो। तो यहाँ पर हम चूज करते हैं एक दो तीन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 10 आपका, देखिए यहाँ पर 10 लोग हो गए, एक प्लेयर और है, ठीक है। 10 लोग आप चूज कर चुके हो, एक प्लेयर और है, कोई भी पिक चूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर एक ले लेते हैं, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर जो है ना सिलेक्ट योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, जो आपने लोगों को सिलेक्ट किया है उसमें से एक कैप्टन को सिलेक्ट कीजिए, एक वाइस कैप्टन को सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपको आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो सबसे पहले कैप्टन को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमारे लोग हैं। तो मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, के जॉन डो, इसको क्लिक कर दिया। और वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन को अलग करते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर जो है वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए दोनों अलग अलग होना चाहिए, एक ही आदमी को कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं बना सकते, दोनों अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करते हैं इसको और यहाँ सेव टीम करते हैं। ये जो टीम हमने सिलेक्ट किया है इसको सेव कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको डिटेल डालना होता है। देखिए यहाँ पर ज्वाइनिंग, आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरा ऑटोमेटिकली जो है जो रेफरल कोड है ऑटोमेटिकली फिल होकर आ गया। देखिए ये रेफरल कोड था ना, ये रेफरल कोड ऑटोमेटिकली फिल हो गया। अगर मान लीजिए ऑटोमेटिकली फिल नहीं होता तो यही रेफरल कोड यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको अपना अकाउंट बनाना है, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालना है। यहाँ पर अपना टीम का नाम लिखिए, जो भी आप अपने टीम का नाम रखना चाहते हो, ठीक है। जो भी आप अपने टीम का नाम रखना चाहते हो यहाँ पर उसको टाइप कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन को क्लिक करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल
xyz@gmail.com, पासवर्ड में कुछ भी रख लेता हूँ, और यहाँ पर xyz, ठीक है। तो यहां पर जो है लिख कर मैंने यहां पर जेकी ज्वाइन का बटन जो है ये विजिबल हो गया, इसको क्लिक करके हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो ऑलरेडी ज्वाइन हूं, पहले से ही मैं ज्वाइन हूं, मैं तो आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करता हूं। इसके आगे का स्टेप आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। मैंने मेरा बहुत सारा वीडियो ट्यूटोरियल आपने वॉच किया है, इतना चीज तो आप समझ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया कैसे ज्वाइन करना है, कैसे प्लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा आगे चल के, है ना। फिर से रिमाइंड कर देता हूँ आपको, मेरे वेबसाइट पर जाना है, हाउ टू ज्वाइन में जाना है, उसके बाद मेरा रेफरल लिंक क्लिक करना है, अपना टीम सेलेक्ट करना है, उसको टीम के प्लेयर्स को चूज करना है, उसके बाद अब ईमेल आईडी, पासवर्ड, अपना टीम का नाम वहां डालना है और फिर ज्वाइन को क्लिक करना है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट का एड्रेस याद रखना आप, ठीक है, ये वेबसाइट का एड्रेस याद रखना। और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मैंने अपना रेफरल लिंक डाल दिया है, वहां से भी देख सकते हो। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, एडवाइस हो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आपके डेली अच्छे अच्छे लाइक्स कमेंट्स मुझे मिलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे इतना प्यार देते हो, इसी तरह प्यार बनाए रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके ईमेल पर मिल जाए तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज दोस्तों मेरे वीडियोज को वॉच करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।